सो गाइज, एल्विस यादव और ध्रुव राठी की कंट्रोवर्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको ये तो पता होगा कि रिसेंटली ध्रुव राठी को रोस्ट किया गया था एल्विस के द्वारा, और एल्विस उनसे जवाब भी मांग रहे थे कि भाई कोई काउंटर वीडियो लेके आए, लेकिन ध्रुव राठी ने कोई काउंटर वीडियो तो दी नहीं। लेकिन अपनी रिसेंट वीडियो में ध्रुव राठी को पर्सनल अटैक जरूर कर दिया। जी हाँ साथियों, पर्सनल अटैक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एल्विस यादव का ही कहना है। वो बोल रहे हैं कि भाई आपने काउंटर तो दिया ही नहीं है, ये तो पर्सनल अटैक का कुछ ऐसा ट्वीट भी किया था। लेकिन अब उसके बाद फिर से यहाँ पर ध्रुव राठी ने एक रील शेयर की है जिसमें एल्विस यादव कुछ बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये रील देखिए। 30 मिनट नहीं, मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज थोड़ा जल्दी करा दो। अच्छा चलो, आधे घंटे में हो जाएगा, आधे घंटे में करा। तो जैसे कि साथ अपने रील तो देख ही लिया है, इसमें आपने देखा होगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पर एल्विस यादव ने फिर से यहाँ पर ध्रुव राठी को पोक किया है। उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट की है, जरा देखिए ये वीडियो। कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की। तो साथियों, आपने ये वीडियो भी देख लिया है, तो इसमें भी आपने देखा है कि एक दूसरे को पोकिंग चलती ही जा रही है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर टेक्निकल गुरुजी भी कूद पड़े हैं। टेक्निकल गुरुजी ने भी एक पोस्ट डाला है ट्विटर पे, जर्मन शेफर्ड माइट बी ए डेंजरस एट फर्स्ट बट टियर लेटर जस्ट स्कैरी लुकिंग एडिट, इस प्रकार की कुछ पोस्ट डाली है। एट ए मोमेंट प्योर जो विद ए फेथफुल जर्मन शेफर्ड। तो इसके ऊपर एल्विस यादव ने भी रिएक्ट किया है, कम से कम आपका जर्मन शेफर्ड फेथफुल तो है, हमारे वाला तो गद्दार निकला, कुछ ऐसी बातें यहाँ पर बोली है। वहीं पर क्या है, ध्रुव राठी फैंस को भी ट्रोल करते हुए कहा है यहाँ पर एल्विस यादव ने, भाई कितने बेवकूफ बनोगे। और फिर बात करते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग एक्सप्लेन के बारे में, उन्होंने भी यहाँ पर ध्रुव राठी की एक रील बनाई थी और उस रील को शेयर किया था। पहले वो रील देखिए आप। इसे मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। भारत के इतिहास में किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए ये सेकंड लोएस्ट विक्ट्री मार्जिन। सच तो ये है कि राजीव गांधी को छोड़कर आज तक कांग्रेस के सभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की जीत का मार्जिन 1.5 लाख से हमेशा कम रहा है, और इसी खौफ की वजह से पिछले 28 सालों में कांग्रेस के किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। दोस्तों, आज भारत के 20 मिलियन लोग इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उनको ऐसे अनपढ़ और अंगूठा छाप में भारत का भविष्य। तो जैसे कि साथ अपने रील तो देख ही लिया है, इसी रील को शेयर करते हुए एल्विस यादव ने भी कहा है कि भाई देख लो, सिस्टम ही कह दे या एजुकेशन ही कह दे, कुछ ऐसी बातें भी लिखी है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहोगे, भाई एल्विस यादव सही है, ध्रुव राठी सही है, कौन सही है, अपनी जगह आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के।